बच्चों कैसे हैं आप लोग। अब शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ। बच्चों पीएच का हमारी डेली लाइफ में बहुत जबरदस्त यूज है, डिफरेंट एग्जांपल्स में आपको ये देखने को मिलता है। आइए वहां से कुछ एग्जांपल को हम लोग स्टडी करते हैं वन बाय वन करके। फर्स्ट लेते हैं पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन्स ब्लड टीयर्स एंड सलाइवा रेंजेस फ्रॉम 7 to 7.8। A small change in pH value may affect the survival of human beings. बच्चों हम लोग खट्टा खाते हैं, मीठा खाते हैं, तीखा खाते हैं, कुछ भी खाइए सर, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी के अंदर हमारी बॉडी का pH मेंटेन रहता है और हमारी बॉडी का pH रहता है 7 to 7.8 के बीच में। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो बच्चों इसका एग्जांपल है ब्लड। ये आपको बड़ी क्लास में जानने को मिलेगा, लेकिन सर अभी भी आप जान सकते हैं ब्लड इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल बफर सॉल्यूशन। अब सर सवाल उठता है बफर सॉल्यूशन क्या होता है, तो बच्चों ऐसा सॉल्यूशन जो अपनी पीएच को मेंटेन रखता है। अगर उस सॉल्यूशन में आप एसिड डालेंगे, बेस डालेंगे, तो पीएच चेंज नहीं होगा। ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है बफर। तो बफर सॉल्यूशन, तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड जो होता है वो हमारे बॉडी ऑर्गेन्स की पीएच को मेंटेन रखता है। पूरी बॉडी के अंदर एक ही पीएच रहेगा, और अगर वहां पर पीएच चेंज हुआ तो सर डेथ श्योर है, बॉडी ऑर्गेन्स फेल हो जाएंगे। आइए क्लियर हुआ। अब पॉइंट टू लेते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है पीएच ऑफ अवर स्टमक इज अबाउट 2 ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ HCl। एनी स्मॉल चेंज इन पीएच कॉज पेन, इरिटेशन और एसिडिटी। बच्चे ये हमारे डेली लाइफ में होता है, जब भी हम लोग कुछ स्पाइसी खा लेते हैं या ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो कुछ लोगों को शिकायत होती है एसिडिटी की। तो बच्चों होता है क्या कि हमारे स्टमक में HCl निकलता है, जो हमारे पेट का जो स्टमक है उसका पीएच को मेंटेन रखता है नियर अबाउट 2। अगर ये ज्यादा निकलने लगता है तो प्रॉब्लम कॉज होती है इरिटेशन स्टमक एक, और सर बाद में होता है हमको इनडाइजेशन। तो पीएच का मेंटेन रहना पेट में जरूरी है, नहीं तो वो कंडीशन कहलाती है एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड लेते हैं सुगर कंजप्शन लोअर्स द पीएच ऑफ माउथ बिलो पीएच वैल्यू 5.5 टूथ डिके स्टार्ट्स। बच्चों आपने सुना होगा कि दांत में कीड़ा लग गया, वो कीड़ा नहीं होता है बच्चों, एक्चुअली इट्स अ टूथ डिके। हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो होता है वो हमारे टूथ का इनेमल होता है, जो आउटर कोटिंग होता है, व्हाइटनेस जिसकी वजह से होती है उसको इनेमल बोलते हैं। इनेमल हमारी बॉडी में हार्डेस्ट पार्ट है। जब हम लोग मीठा खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर को डिग्रेड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, जिससे बनता है एसिड। और बच्चों अगर एसिड बनेगा तो टूथ इनेमल जो है वो डिके हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वहां पर दांत के अंदर होल बनने लगता है, छेद बनने लगता है, जिसको बोलते हैं टूथ डिके, और सिंपली बोलते हैं कीड़ा लगना। तो कीड़ा नहीं होता है, इट्स अ टूथ डिके। और ये होता है जब हमारे माउथ की पीएच लोअर हो जाती है ड्यू टू कंजप्शन ऑफ सुगर्स। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, प्लांट नीड अ सॉइल ऑफ अ स्पेसिफिक पीएच फॉर प्रॉपर ग्रोथ। बच्चों आपको पता है कि प्लांट्स की ग्रोथ को प्रॉपर करने के लिए उस सॉइल का जो पीएच है वो एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में होना चाहिए। अगर वो ज्यादा एसिडिक है या ज्यादा बेसिक है तो सर वहां पर प्लांट्स प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, पीएच ऑफ एसिड रेन इन इज अबाउट 5.6 व्हिच कॉजेस डिफिकल्ट सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। बच्चों हमको पता है कि जहां पे इंडस्ट्री होती है वहां पे डिफरेंट गैसेस निकलती हैं, गैसेस लाइक SO2, SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स, दे हैव एफिनिटी टुवर्ड वाटर। वो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं और कॉज करती हैं एसिड रेन। एसिड रेन का पीएच जो होता है इट्स नियर अबाउट 5.6। और होता क्या है कि सब जब ये पानी रिवर से होता हुआ जाता है सी के अंदर, तो वहां पे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, वो मरने लगते हैं, क्योंकि उनको एक सर्टेन पीएच वाला वाटर चाहिए। अगर उससे पीएच लोअर हो जाएगा तो एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मछलियां वगैरह मर जाएंगी। सर और क्या होता है, सर एसिड रेन से जितने भी बिल्डिंग्स है वो डैमेज होती है। अरे बिल्डिंग से याद आया, बिल्डिंग से याद आया ताजमहल, ताजमहल
का जो आपको पता है कि ताजमहल हमारा मॉन्यूमेंट है और धीरे धीरे उसकी दीवारें अपनी चमक खो रही हैं, उसकी दीवारें बनी हुई है कैल्शियम कार्बोनेट की और पास में क्या है मथुरा है, मथुरा से क्या निकलती है गैसेस निकलती है रिफाइनरी से और वो गैसेस ट्रेवल करके पहुंच जाती है आगरा में। आगरा में क्या कोस करती है सर, वहां की जो ह्यूमिडिटी है जो वहां पे मॉइस्चर जो वहां पे रेन होती है इट बिकम्स एसिडिक इन नेचर और एसिडिक जो वहां पे रेन होगी उसकी वजह से क्या होता है कि सर वहां पे ताजमहल की दीवारों की चमक जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है ताजमहल उसकी दीवारें जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है वो एसिड रेन यानी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगी और डीकंपोज हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और मार्बल धीरे धीरे जिससे ताजमहल की दीवारों की चमक और रंगत कम हो रही है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। Decrease in pH results in souring of milk and curd. आपको पता है कि milk और curd जो है वो खट्टे हो जाते हैं गर्मियों में। Reason क्या है? कि सर दूध में बैक्टीरिया होता है लैक्टोबेसिलाई, सर बैक्टीरिया जो होता है वो मिल्क सुगर को डिकम्पोज करता है जिससे एसिड बनता है। एसिड जब बनेगा मिल्क के अंदर तो पीएच जो है वो लोअर हो जाएगी और जब पीएच लोअर होगी तो क्या होगा सर, दूध खट्टा या दही आपकी जो है वो खट्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने कुछ कॉमन एग्जाम्पल ली है जो आप डेली लाइफ में देख सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं जहां पर पीएच चेंज होने पर ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। होप टाइम फॉर असाइनमेंट, कुछ क्वेश्चंस करते हैं चैप्टर 2 से क्लास 10 के लिए। फर्स्ट है चूज स्ट्रॉन्ग एसिड्स इन एसिटिक एसिड कार्बोनिक एसिड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। पीएच ऑफ सॉइल सैंपल ए इज 7.5 एंड ऑफ बी इज 4.5 विच शुड बी ट्रीटेड विद चौक एडिशन एंड ऑयल। बच्चे यहां पे थोड़ा ऐड कर लीजिए विच शुड बी। सेकंड क्वेश्चन है पीएच ऑफ सॉइल सैंपल ए इज 7.5 एंड ऑफ बी इज 4.5 विच शुड बी ट्रीटेड विद चौक एंड ऑयल। अब है थर्ड क्वेश्चन पीएच ऑफ बेसिस ऑन डाइल्यूशन डिक्रीजेस, ट्रू और फॉल्स है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ टूथ डिके इज रिलेटेड टू पीएच। नेक्स्ट है व्हाई ताजमहल इज लूजिंग इट्स व्हाइटनेस। नेक्स्ट बच्चों सिक्स क्वेश्चन रहेगा अरेंज एनयूएच सॉल्यूशन ब्लड लेमन जूस वाटर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीएच वैल्यू। नेक्स्ट है बच्चों सेवन क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से है पाइनएप्पल कंसिस्ट ऑफ डैश एसिड। क्लियर है बच्चों, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे वीडियो के नीचे आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा, वहां पे इसको कल दोपहर 1 बजे तक इनका आपको आंसर देना है। देखते वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने नए दोस्तों को जरूर बताएं ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके ताकि वो भी इसमें पार्टिसिपेट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।